अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था वो तो बेसिकली ये था, ये हमने हाइपरसेंसिटिविटी ख़त्म की थी टाइप फोर। उसके बाद हमारा टॉपिक था ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस, इनको हम बाद में देखेंगे क्योंकि ये छोटा सा इतना बड़ा खास टॉपिक नहीं है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस, ऑटो एंटीबॉडीज, तो ये दो तीन लेक्चर्स हम इकट्ठे मिला के इनको एक ही लेक्चर में कंबाइन कर लेंगे। आज हम देखते हैं इम्यूनो डेफिशिएंसीज, कि इम्यूनो डेफिशिएंसीज क्या होती हैं, कि अगर इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसीज हो जाएं तो बी सेल्स की, टी सेल्स की, तो कौन कौन सी डिजीज हो सकती हैं और क्या क्या हो सकता है उसको हम पढ़ेंगे। इसमें जो सबसे पहली डिजीज है वो है हमारी एक्स लिंक्ड ब्रूटल ए गेमोग्लोबिनीमिया। ठीक है, अब एक्स लिंक्ड ये क्या होती है, डिफेक्ट इन बी टी के ब्रूटन टेरोसिन काइनेज जीन, ये इस जीन में डिफेक्ट होगा। ठीक है, ब्रूटन टेरोसिन काइनेज जीन में डिफेक्ट होगा जब इस, और ये जीन जो है ना एक्स लिंक्ड होता है। ये जीन क्या होता है, एक्स लिंक्ड। एक्स लिंक्ड का मतलब होता है ये जीन, देखिए हमारी बॉडी के दो तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं, एक होते हैं ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स, कौन से ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स, और दूसरे हमारे बॉडी के होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। ठीक है, जो ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स होते हैं ये 22 पेयर्स होते हैं, यानी 44 होते हैं नंबर में, और जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं ये एक पेयर होता है, यानी कि दो होते हैं नंबर में, एक्स या एक्स वाई, ये दो होते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा ये वाला जीन है, कौन सा, ब्रूटन टेरोसिन काइनेज जीन, ये जीन होता है एक्स के ऊपर, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये जीन एक्स क्रोमोसोम होता है, ये एक्स क्रोमोसोम है तो ये जीन इसके ऊपर प्रेजेंट होगा, तो ये एक्स लिंक्ड क्रोमोसोम होता है ब्रूटन टेरोसिन काइनेज जीन। अगर इस जीन में खराबी हो जाए, ये इस जीन में खराबी हो जाए तो क्या होता है कि नो बी सेल मैचुरेशन, जो बी सेल्स हमने पढ़ा था, बी सेल्स की मैचुरेशन क्लोनल सिलेक्शन वो नहीं होती, वहां से बी सेल्स मैच्योर नहीं होते। मतलब बी सेल्स कहां बनते हैं, बी सेल्स कहां बनते हैं, बोन मैरो में बनते हैं, बी सेल्स बनते हैं बोन मैरो में, और बी सेल्स मैच्योर कहां होते हैं, बोन मैरो में ही, बोन मैरो के अंदर ही मैच्योर होते हैं, तो बी सेल्स मैच्योर नहीं होंगे। अच्छा मुझे बताएं बी सेल्स का काम क्या होता है, बी सेल्स का, बी सेल्स का काम होता है इसकी सरफेस पर क्या होती है, आई जी एम होती है, क्लास स्विचिंग भी इसकी होती है, आई जी ए होती है, आई जी जी होती है, आई जी ई होती है, मतलब जो मैच्योर जो आपके बी सेल्स होते हैं, जो मैच्योर बी सेल्स होते हैं उनका काम है एंटीबॉडीज बनाना। ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन बनाना। जब आपके बी सेल्स मैच्योर ही नहीं हुए, मैच्योर हुआ है ये, नहीं हुआ, बन तो गया, प्रोड्यूस तो हो गया लेकिन मैच्योर नहीं हुआ, जब ये मैच्योर ही नहीं हुआ तो क्या ये बनेगी, इम्यूनोग्लोबुलिन बनेगी, नहीं बनेगी। तो यही बात वो यहाँ पे बता रहा है, क्या बता रहा है, वो कहता है डिफेक्ट इन ब्रूटन टेरोसिन काइनेज जीन में डिफेक्ट होगा, क्योंकि वो जीन क्या होता है, एक्स लिंक्ड होता है, और इसका इसका नुकसान क्या होता है कि नो बी सेल मैच्योरेशन, बी सेल मैच्योर नहीं होंगे, जब बी सेल मैच्योर नहीं होंगे तो ए गेमोग्लोबिनीमिया हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए ए गैमा, ए का मतलब क्या होता है, नॉट, ए का मतलब होता है नॉट, गेमोग्लोबिनीमिया, गेमोग्लोबिनीमिया मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन, इमिया मतलब ब्लड, कि आपके ब्लड में इम्यूनोग्लोबुलिन नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, बिकॉज बी सेल्स आर नॉट मैच्योर, व्हेन बी सेल्स आर नॉट मैच्योर देन देयर इज अ नो प्रोडक्शन, देयर इज अ नो क्लास स्विचिंग, सो देयर इज अ नो प्रोडक्शन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन, सो देयरफॉर इम्यूनोग्लोबुलिन विल बी मिसिंग इन द ब्लड। So, ये वही कह रहा है कि ये क्या होता है, जो चीज आपको याद रखने की है, एक स्टोरी सी बना लें आप इसको, कैसे आपने स्टोरी क्या बनानी है, स्टोरी क्या बनानी है, इसका लिंक इम्यूनोग्लोबुलिन से कैसे जाता है, ये तो एंटीबॉडीज से जाता है। वेरी गुड डॉक्टर जी, वेरी गुड क्वेश्चन, बट द आंसर इज दिस दैट, देखें मैं रिपीट कर रहा हूँ दोबारा, आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा। डिफेक्ट इन ब्रूटन टेरोसिन काइनेज जीन में होता है डिफेक्ट, ये जीन, वो कहता है ये जीन होता है एक्स लिंक्ड, ये जीन क्या होता है, एक्स लिंक्ड होता है। अब ये जीन होगा खराब, जब ये जीन ब्रूटन टेरोसिन काइनेज जीन जो कि एक्स लिंक्ड है, ये जब खराब होगा तो आपके बी सेल्स की मैचुरेशन नहीं होगी, जब बी सेल्स की मैचुरेशन नहीं होगी तो क्या बी सेल्स के ऊपर एंटीबॉडीज बनेगी, तो बी सेल्स के ऊपर एंटीबॉडीज नहीं बनेगी। एंटीबॉडीज का दूसरा नाम होता है इम्यूनोग्लोबुलिन, एंटीबॉडीज का दूसरा नाम क्या होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन। तो जब एंटीबॉडीज नहीं बन रही मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन नहीं बन रही, तो इसीलिए इसको बोलते हैं ए गैमा ग्लोबिनीमिया। जब इम्यूनोग्लोबुलिन या एंटीबॉडीज नहीं बनेगी तो क्या आपके ब्लड में होगी इम्यूनोग्लोबुलिन, नहीं होगी, तो आपके ब्लड में बिल्कुल भी इम्यूनोग्लोबुलिन होंगी ही नहीं, एंटीबॉडीज बिल्कुल इस सूरत में बिल्कुल इम्यूनोग्लोबुलिन नहीं होगी तो आपकी एंटीबॉडीज नहीं बनेगी।
तो ये होती है एक्स लिंक्ड ब्रूटन ए गैमा ग्लोबिनीमिया। समझ आ गई है? इन शॉर्ट आप यही बोल सकते हैं कि बी सेल जो है ना, ये बी सेल्स की मैचुरेशन कौन सा जीन कराता है? ब्रूटन टेरोसिन काइनेज जीन कराता है। और अगर ये जीन खराब होगा तो उसकी मैचुरेशन भी क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी, डिफेक्ट हो जाएगी। और जब उसकी मैचुरेशन नहीं होगी तो एंटीबॉडीज नहीं बनेगी, ठीक है? एंटीबॉडीज जब नहीं बनेगी तो फिर मतलब ए गैमा ग्लोबिनीमिया हो जाएगा, ब्लड में जो, वालेकुम सलाम सर, तो ब्लड में जो है ना वो आपकी इम्यूनोग्लोबुलिंस बिल्कुल भी नहीं होगी। तो इसलिए इसको बोलते हैं एक्स लिंक्ड ए गैमा ग्लोबिनीमिया। तो इसका नाम और ये चीज समझ आ गई है? पक्की बात है। अच्छा, दूसरी बात इसमें वो क्या कहता है, दूसरी बात क्या करता है? दूसरी बात वो करता है कि ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव होती है, मतलब बॉयज में ज्यादा होती है, है? तो ये चीज अक्सर, यकीन करें, पीजी तक पहुंच जाते हैं डॉक्टर्स, उनको ये पता नहीं होता एक्स लिंक्ड रिसेसिव या ऑटोसोमल रिसेसिव ये चीजें क्या होती है, ठीक है? ये कंसेप्ट शुरू से ही समझ नहीं आते। अच्छा, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, एक तो है एक्स लिंक्ड का मतलब है कि इसका जो जीन है वो किसके ऊपर होगा? एक्स के ऊपर होगा, ठीक है? किसके ऊपर होगा? एक्स के ऊपर होगा। दूसरा कहता है रिसेसिव, रिसेसिव इसका क्या मतलब है? रिसेसिव का मतलब है कि देखे बात सुने मेरी, आपने शुरू से देखा हुआ होगा कि एक जीन के दो अलील होते हैं, ये ए ए ए ए या दोनों ए, ऐसे पढ़े हुए हैं ना, एक जीन के क्या होते हैं? दो अलील होते हैं। अब वो कहता है या तो दोनों अलील क्या होते हैं? डोमिनेंट होते हैं, या दोनों अलील क्या होते हैं? रिसेसिव होते हैं, या एक अलील डोमिनेंट होता है, एक अलील क्या होता है? देखे, ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव, ये डोमिनेंट, ये भी, ये रिसेसिव, ये भी रिसेसिव। डोमिनेंट और रिसेसिव का ये मतलब होता है कि जो डोमिनेंट होगा ना, जो डोमिनेंट होगा वो अपना असर दिखा जाएगा, वो रिसेसिव को छुपा लेगा, उसको उसका काम नहीं करने देगा। तो ये अपना काम कर लेगा, इसका काम नहीं होने देगा। इधर तो दोनों डोमिनेंट है, क्या इसका क्या मतलब है डिटेल में थोड़ा बता देता हूँ कि अगर ए कहता है कलर मैंने कराना है वाइट, क्या कराना है? वाइट। और ये कहता है नहीं, मैंने इसका कलर कराना है ब्लैक, क्या कराना है? ब्लैक। तो किसकी सुनी जाएगी? डोमिनेंट वाले की, क्योंकि वो डोमिनेंट है, वो जीत जाएगा, उसकी सुनी जाएगी। अगर ये चाहता है मैं ब्लैक कराऊं तो इसको दोनों रिसेसिव होने चाहिए, क्या होने चाहिए? इसको दोनों, अगर एक भी डोमिनेंट आ गया तो वो डोमिनेंट क्या हो जाएगा? जीत जाएगा। इसने दोनों को रिसेसिव, अगर ये चाहता है कि मेरा कलर हो ब्लैक तो इसको दोनों क्या करने पड़ेंगे? रिसेसिव करने पड़ेंगे। तो ये चीज समझ आ गई है, ये रिसेसिव और डोमिनेंट समझ आ गए हैं। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है, देखे, एक अलील होता है डोमिनेंट, एक होता है रिसेसिव। ये डिजीज क्या होती है? एक्स लिंक्ड रिसेसिव। सेम वही चीज, अगर वो चाहता है कि ये डिजीज हो तो दोनों जो उसके एक्स क्रोमोसोम के ऊपर जीन है, किसके ऊपर? एक्स के ऊपर दोनों जीन या दोनों अलील क्या होने चाहिए? रिसेसिव। दोनों अलील क्या होने चाहिए? रिसेसिव होने चाहिए। अब अगर बॉय की बात करते हैं, मेल की बात करते हैं, तो उसके पास एक एक्स होता है, एक क्या होता है? वाई। वाई का तो इसके साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है, ठीक है? ताल्लुक किसका है? एक्स का। तो मतलब एक्स के ऊपर तो सिर्फ एक अलील होता है, एक अलील इस पे होगा, एक अलील वाई पे होगा। अब वाई का तो ताल्लुक ही नहीं है, इधर सिर्फ अगर एक भी उसका क्या हो गया, अलील रिसेसिव हो गया, एक भी अलील रिसेसिव हो गया तो उसको डिजीज हो जाएगी। नहीं समझे? आ जाएगी समझ। आगे देखें, ये था मेल का कि मेल में ज्यादा होता है, जबकि बात करें फीमेल की तो फीमेल में दोनों एक्स होते हैं। फीमेल के में क्या होते हैं? दोनों एक्स होते हैं। अब फीमेल में जब दोनों एक्स होते हैं तो इसमें वो कहता है इसके ऊपर डोमिनेंट है, इस पे क्या है? रिसेसिव। वो कहता है मैं डिजीज चाहता हूँ, कहता है डिजीज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि दोनों क्या होने चाहिए? इधर तो था ही एक, इसका कोई ताल्लुक नहीं बनना था, इधर एक्स था ही एक, तो उसके ऊपर एक आ गया रिसेसिव, डिजीज हो गई। इधर दो है, वो कहता है अगर तुम्हें डिजीज चाहिए तो तुम्हें दोनों रिसेसिव करने पड़ेंगे, ठीक है? अगर तुम्हें डिजीज चाहिए तो तुम्हें दोनों रिसेसिव करने पड़ेंगे, तो कहां चांसेस डिजीज के ज्यादा होंगे? इधर तो एक भी रिसेसिव हो जाए डिजीज हो जाएगी, इधर दोनों रिसेसिव हैं तो चांसेस मेल में क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं, कि मेल में डिजीज के चांसेस ज्यादा होंगे। तो ये है, तो एक सेकंड वेट करें, ये आवाज, तो ये क्या है? है तो एक्स लिंक्ड, हम कहते हैं एक्स लिंक्ड है तो फीमेल होनी चाहिए, नहीं, ये उलट होता है, क्योंकि वाई किसका होता है? मेल का। एक्स किसका होता है? फीमेल का। तो हम कहते हैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव है मतलब फीमेल में ज्यादा होनी चाहिए, नहीं, याद करने का बता रहा हूं, इसको आप उलट रिज्यूम कर लें कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव है मतलब मेल में ज्यादा होगी। तो ये बात समझ आ गई है कि ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव क्या होता है। आई होप सो दैट कि आपको नहीं भूलेगी, रिपीट करने की जरूरत है इसको, एनीवन? चलें, गुड, वेरी गुड, हो गया, समझ आ गया है? डॉक्टर शौकत समझ आ गया है?
मुझे एक बात याद आ रही है, इसलिए मैंने बोला है। हम ना क्लास में जब पढ़ते थे ना FSC में, तो हमारी क्लास में शौकत नामी कोई लड़का नहीं था, कोई भी नहीं था। तो हम टीचर्स को कैसे तंग करते थे, अब अगर शोर हो रहा है तो टीचर बोलता था ना हमें जोर से, सारे टीचर्स सबको हमने शौकत के नाम से तंग किया हुआ था। टीचर बोलता था यार चुप करके बैठो, तो सारे लड़के मतलब दो तीन यक जबान होकर, जो ग्रुप था हमारा यक जबान होकर, कहते थे शौकत चुप करके बैठ, आवाज नहीं थी। क्लास में कोई शौकत ही नहीं है, या फिर सर बोलते कभी कौन बात कर रहा है, सारे दो तीन यक जबान होकर बोलते हमारा ग्रुप, सर जी शौकत बात कर रहा है, शौकत बात कर रहे हैं सर। सर के तो शौकत खड़ा हो जाए, कौन है शौकत, तो कोई होता तो कोई खड़ा होता। तो मैं ही पूछ रहा हूँ कि शौकत समझ आ गई है। चलो ये आई होप सो दैट कि आपको ये समझ आ गई होगी, एक्स लिंक्ड ब्रूटन ए गैमाग्लोबिनीमिया क्या होती है और इसको एक्स लिंक्ड क्यों बोलते हैं और ये मेल्स में ज्यादा क्यों होती है। अच्छा वो कहता है कि अब देखें इसकी प्रेजेंटेशन क्या होती है, वो कहते हैं रिकरेंट बैक्टीरियल एंड इंटरो इन्फेक्शन इसको होते हैं। अब ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन रिकरेंट क्यों होंगे, ये क्यों होंगे, याद करें जरा लिम्फ नोड याद करें। लिम्फ नोड में हमने कहा था तीन हिस्से होते हैं लिम्फ नोड के, सबसे आउटर वाला कॉर्टेक्स और उसके बीच वाला पैराकॉर्टेक्स और उसके अंदर वाला मेड्यूला होता था। और हम कहते थे कि कॉर्टेक्स में क्या कौन से सेल्स होते हैं, बी सेल्स पैराकॉर्टेक्स में, और मेडुला में प्लाज्मा सेल्स। और मैंने कहा था एक फार्मूला याद रखें बी बी वाला, कौन सा बी बी वाला फार्मूला बताया था मैंने कि बी बैक्टीरिया आएंगे तो उनको कौन मारेगा, बी सेल्स, और टीवी वाला वायरस आएंगे तो उनको कौन मारेगा, टी सेल्स। अब यहाँ पे बी सेल्स आपके मिसिंग हो रहे हैं, बी सेल्स की मैचुरेशन हो रही है, नहीं हो रही, बी सेल्स नहीं, तो इन्फेक्शन किसके होंगे, बी बैक्टीरिया के इन्फेक्शन होंगे, बी सेल्स क्या है मिसिंग है। तो डॉक्टर आजाद बी सेल के आजकल इन्फेक्शन भी होने लगे हैं। चलें कोई नहीं, बंदे का माइंड कहीं और होता है, आपके माइंड में बैक्टीरिया चल रहा होगा और मुंह से जो ना बी सेल निकल रहा होगा, इट्स ओके। चलें बी सेल्स जब नहीं होंगे तो किसके इन्फेक्शन होंगे, बैक्टीरिया के। ये बात याद है आप लोगों को, लिम्फ नोड वाली याद है, फिर बी सेल निकल रहा था। चलें जी वो यही यहाँ पर यही बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है कि रिकरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन होंगे। रिकरेंट का मतलब होता है बार बार होना, ज्यादा होना, बार बार होना। एंड इंटेरो वायरल इन्फेक्शन आफ्टर 6 months, ये क्या कंसेप्ट है, ये वाला कौन, ये कौन से डॉक्टर, कौन से जीनियस है। वेरी गुड वेरी गुड डॉक्टर जुबैर, IgG प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है हमने कहा था, और ये मदर से कहाँ जाती थी, फीटस में आ जाती थी, और फीटस को 6 माह तक क्या करती थी, प्रोटेक्ट करती थी। अब 6 माह के बाद जो है ना बच्चे के अंदर तो IgG है ही नहीं, मेटरनल IgG क्या हो गई है, कम हो गई है, तो उसको इंटेरो वायरल उसको वायरस के इन्फेक्शन होंगे। तो क्या होंगे, वायरस के सारे इन्फेक्शन होंगे 6 माह के बाद। क्यों, क्योंकि उसके अंदर मैं 20 साल मैच्योर नहीं है, वो अपनी बनाएगा नहीं, ठीक है, 6 माह तक नहीं होंगे उसके इन्फेक्शन। क्यों, क्योंकि 6 माह तक जो मम्मा की जो IgG है वो उसको क्या करती रहेगी, प्रोटेक्ट करती रहेगी। छे जी इंटेरो वायरल इन्फेक्शन से उसको, ठीक है, लेकिन ये आपकी जो एंटीबॉडीज बनी हुई है ना, ये अब एंटीबॉडीज जब बन के आपके उसके अंदर चली गई हैं, तो तब ये इंटेरो वायरल स्पेशल जो है ना वो वायरस के खिलाफ जो है ना ये वो करेगी। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, ये लाजमी नहीं है कि तमाम बी सेल्स जो है ना सिर्फ बैक्टीरिया को ही वो करेंगे। अब टीबी को कौन करता है, बैक्टीरिया, उसको टी सेल्स करते हैं। मोस्टली केसेस में बता रहा हूँ कि मोस्टली केसेस में आपके बैक्टीरिया को बी सेल्स और वायरस को टी सेल्स, लेकिन हो सकता है कि कुछ टाइप्स को, जैसे टीबी की टाइप को कौन वो करता है, टी हेल्पर सेल 1 करते हैं, याद है ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन होती है टी हेल्पर सेल 1। तो इसी तरह कुछ कुछ होते हैं जिनको टी कर लेते हैं, और कुछ ऐसे जिनको बी वायरस होते हैं जिनको बी सेल्स कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आई होप सो दैट समझ आ गई होगी कि पहले 6 माह तक उसके अंदर मम्मा की IgG रहती है, वो काम करती रहती है, 6 माह बाद जब वो खत्म हो जाती है तो फिर क्या होता है, उसकी अपने तो होते नहीं मैचुरेशन, तो फिर 6 माह बाद वैसे बेबी जो है ना वो बनाता है, बेबी जो है ना वो बनाता है, 6 माह बाद जाके वो बनाता है अपनी वो है एंटीबॉडीज, लेकिन एंटीबॉडीज तो बन नहीं रही, उसके बी सेल्स मैच्योर नहीं हो रहे, तो ये सारा होता है, ठीक है, समझ आ गया, ये पक्की बात है। आगे बढ़ूं मैं, इसकी फाइंडिंग्स क्या होती है, ब्लड फाइंडिंग्स इसमें हम देखेंगे कि एब्सेंट बी सेल्स इन पेरिफेरल ब्लड, ब्लड में हम देखेंगे कि वहां पर बी सेल्स ही एब्सेंट होंगे क्योंकि उनकी मैचुरेशन ही नहीं हो रही। डिक्रीज IgG ऑफ ऑल क्लासेस, IgG यानी इम्यूनोग्लोबुलिंस एंटीबॉडीज जितनी भी हैं तमाम क्या हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएंगी। क्यों, बी सेल्स मैच्योर ही नहीं हो रहे, वो बन ही नहीं रही। एब्सेंट स्कैंटी लिम्फ नोड्स एंड टॉन्सिल्स, वो कहते हैं प्राइमरी फोलिकल्स एंड जर्मिनल फोलिकल सेंटर्स एब्सेंट होंगे। ये क्या कंसेप्ट है यहाँ पर, ये क्या कंसेप्ट है, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, हमें याद है। हाँ हाँ डॉक्टर जवेरिया,
वेरी गुड। और लिम्फ नोड, लिम्फ नोड याद है उसके कॉर्टेक्स में होते थे प्राइमरी फोलिकल्स, सेकेंडरी फोलिकल्स, उनके अंदर क्या होते थे बी सेल्स होते थे, याद है। जब बी सेल्स ही नहीं बन रहे तो क्या प्राइमरी फोलिकल्स या जर्मिनल सेंटर सेकेंडरी फोलिकल्स बनेंगे, तो आपका लिम्फ नोड बनेगा, नहीं तो लिम्फ नोड एब्सेंट होता है या फिर सेकेंडरी टाइप होता है, ठीक है। अच्छा उसके अलावा ये बात समझ आ गई है ना डॉक्टर तहरीम, समझ आ गई है डॉक्टर भैया, डॉक्टर बिशा समझ आ गई है, सिंपल सी बात थी। लाइव वैक्सीन कंट्रा इंडिकेटेड, वो कहता है लाइव वैक्सीन इनको हम नहीं दे सकते, लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीनेशन हमने पढ़ी थी पीछे, वो कहता है वो हम इनको नहीं दे सकते। क्यों क्यों नहीं दे सकते, इसके पीछे क्या कंसेप्ट है? हमने कहा था लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन में हम पैथोजन होता तो लाइव है, क्या होता है जिंदा होता है ना, लेकिन उसको हमने वीक किया होता है, क्या क्या होता है वीक, जबकि जो पेशेंट है उसके अंदर तो बी सेल्स है ही नहीं, बी सेल्स मैंने कहा था कि अगर काउंटिंग कम हो याद है, तो इसके अंदर तो बी सेल्स है ही नहीं, इम्यून सेल्स की काउंटिंग ही बिल्कुल कम है, तो छोटा सा भी वीक सा बैक्टीरिया भी जाके इसको क्या कर देगा, इसकी इसमें डिजीज कॉज कर देगा। तो इसीलिए जो लाइव वैक्सीन होती है वो क्या होती है कंट्राइंडिकेटेड होती है, कि आप वीक सी इसको वैक्सीनेशन भी नहीं कर सकते, क्योंकि वीक सा पैथोजन भी जाके इसको क्या कर देगा डिजीज कॉज कर देगा। आई होप सो दैट कि आपको ये इंपॉर्टेंट थी, ये वेरी इंपॉर्टेंट थी एक्स लिंक्ड ब्रूटन ए हेमोग्लोबिनेमिया, हम जितनी भी पढ़ेंगे ना ये सारी उसमें सेकेंड थर्ड इंपॉर्टेंट ये वाली है, ठीक है, जितनी भी हम इम्यूनोडेफिशिएंसी पढ़ेंगे उसमें थर्ड ये वाली है, इसलिए मैंने कुछ ज्यादा टाइम इस पर लगा दिया। समझ आ गया, कुछ चीज रह गई हो? नहीं रह गई। नेक्स्ट है सिलेक्टिव आई जी ए डेफिशिएंसी, इसमें क्या होता है कि आपकी सिर्फ सिलेक्टिव डेफिशिएंसी होती है, किसकी आई जी ए की डेफिशिएंसी होगी, सिलेक्टिव डेफिशिएंसी होगी, ठीक है, सिलेक्टिव आई जी ए डेफिशिएंसी, सिर्फ आई जी ए डेफिशिएंट होगा, बाकी आपकी आई जी जी आई जी एम सारे जो लेवल होंगे क्या होंगे नॉर्मल लेवल होंगे, ठीक है, सिर्फ आई जी ए नहीं बनेगी, बाकी सब क्या होगा लेवल होगा। इसका काज जो है ना अननोन है, अभी तक नोन नहीं किया गया इसकी वजह क्या होती है, काज क्या होता है, लेकिन इसमें आप सिर्फ इतना याद रख लें कि आई जी ए जो है ना वो क्या होती है सिलेक्टिवली यहाँ पे डेफिशिएंसी होती है, सिर्फ आई जी ए डेफिशिएंट होती है, बाकी क्या होती है नॉर्मल जितनी इम्यूनोग्लोबुलिंस है। मोस्ट कॉमन प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी, ये भी आप एक एमसीक्यूज है इसकी कि प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी की मोस्ट कॉमन डिजीज कौन सी है, आई जी ए डेफिशिएंसी, तो ये मोटी मोटी एमसीक्यूज है, ठीक है, तो ये आप इसको कर ले। अच्छा उसके बाद ये क्या कहता है, अच्छा आई जी ए का काम क्या था, आई जी ए का काम क्या था, जी आई टी और आपके रेस्पिरेटरी एयरवे जो ट्रैक्ट है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उनको क्या करता है, ये लाइन करता है, ये क्या करता है उनको, ये उनको क्या करता है, ये उसको लाइन करता है, सॉरी ये क्या हो रहा है, ये उसको क्या करता है लाइन करता था, ठीक है, जी आई ट्रैक को क्या करता था लाइन करता था, तो क्या अब ये लाइन करेगा, ये है ही नहीं, तो क्या ये लाइन करेगा, नहीं करेगा, तो ये लाइन करके क्या करता था, उसको लाइनिंग करके इन्फेक्शन से बचाता था, जब ये नहीं होगा तो आपको होंगे इन्फेक्शन, तो आपको जी आई टी के इन्फेक्शन होंगे, किसके, और जी आई टी का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वो डेंजरस जो इन्फेक्शन है मोस्ट कॉमन वो कौन सा है, जेल्डियासिस, जेल्डियासिस क्या होती है, जेल्डियासिस मैंने बताया था डायरिया वोमिटिंग वगैरह ये आपको हो जाएगी, तो ये मोस्ट कॉमन है, और इसके अलावा आपको आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के भी इन्फेक्शन होंगे, तो ये भी आपको इन्फेक्शन होते रहते हैं, ठीक है, तो इसके अलावा ये चीज समझ आ गई है ना। इसके अलावा एक और चीज, मुझे एक चीज बताएं, एक पेशेंट का ब्लड ग्रुप है ए पॉजिटिव, एक पेशेंट का ब्लड ग्रुप है ए पॉजिटिव, उसके पास कौन सी एंटीजन होगी, एंटीजन कौन सी होगी, एंटीजन भी ए होगी उसके पास, अब अगर इसके पास एंटीजन, इसके पास कौन सी एंटीजन नहीं है, बी नहीं है इसके पास एंटीजन, जो चीज नहीं होगी ना बॉडी में उसके खिलाफ एंटीबॉडीज होती है, बॉडी में उसके खिलाफ, तो एंटी बी एंटीबॉडीज होंगे इसके पास, एंटी बी इस पेशेंट के पास, इस पेशेंट के पास, मतलब पेशेंट तो नहीं इस बंदे के पास, इसका ब्लड ग्रुप क्या है ए पॉजिटिव, इसके अंदर एंटीजन कौन सी होगी, एंटीजन ए, इसके पास कौन सी एंटीजन नहीं है, एंटीजन बी, जो चीज नहीं होती बॉडी में उसी के खिलाफ क्या होती है एंटीबॉडीज, अब इसके पास एंटीजन बी नहीं है तो इसके इसमें एंटी बी एंटीबॉडीज होती है उसके खिलाफ क्या होती है एंटीबॉडीज, सेम यही चीज, अगर ये पेशेंट है सिलेक्टिव आईजीए डेफिशिएंसी है, इसको क्या है सिलेक्टिव आईजीए डेफिशिएंसी है, तो इसमें क्या है, इसमें आईजीए नहीं होगा, होगा नहीं होगा, जब आईजीए नहीं होगा तो उसकी बॉडी में आईजीए के खिलाफ एंटीबॉडीज होंगी, एंटीबॉडीज होंगी इसके खिलाफ, मैं बता रहा हूं कि बॉडी में जो चीज नहीं होगी उस अगर किसी पर्सन में एक चीज नहीं है तो उस पर्सन में उसके खिलाफ क्या होती है एंटीबॉडीज। डॉक्टर जवेरिया आप सोच रहे होंगे ये खुद एक एंटीजन है,
तो इसके खिलाफ कैसे, सॉरी ये खुद एक एंटीबॉडी है तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी कैसी होगी? एंटीजन हो या एंटीबॉडी हो, वो एक प्रोटीन होती है। क्या होती है वो? और प्रोटीन कोई भी हो उसको हम एज ए एंटीजन लेते हैं, ठीक है। तो ये अगर ये नहीं है, ये IgA डेफिशिएंट है पेशेंट, IgA डेफिशिएंट है, तो उसमें क्या होगी आपकी IgA एंटीबॉडीज होंगी कि नहीं होगी? होंगी कि नहीं होगी? होंगी, क्योंकि जो चीज बॉडी में नहीं है उसके खिलाफ क्या होती है? एंटीबॉडीज होती है। अब अगर ये नहीं है तो ये एंटीबॉडीज तो होंगी। अब पेशेंट क्या करता है, पेशेंट क्या करता है, पेशेंट ने कोई IgA कंटेनिंग प्रोडक्ट्स लिए, IgA कंटेनिंग प्रोडक्ट्स लिए, कोई चीज ऐसी खाई है जिसमें क्या थी? IgA थी, कोई ऐसी प्रोडक्ट्स खाई, जैसे ही वो खाएगा तो आपकी बॉडी में क्या चली जाएगी? पहले IgA नहीं थी, अब IgA है। जब IgA आएगी तो आपकी बॉडी में तो IgA नहीं थी, तो उसके खिलाफ क्या बनी हुई थी? कौन सी? एंटी IgA एंटीबॉडीज। वो एंटीबॉडीज आएंगी और क्या करा देंगी? एनाफिलैक्सिस करा देंगी। क्या करा देंगी? एनाफिलैक्सिस क्या होती है? एलर्जिक रिएक्शंस करा देगी। क्या करा देगी? एलर्जिक रिएक्शंस। तो इस कंडीशन में यहां पर क्या हो जाती है? एलर्जिक रिएक्शंस हो जाते हैं। समझ आ गई है? तो आई होप सो दैट ये बात आपको समझ आ गई होगी। मैं दोबारा रिपीट करूं इसको रिपीट कर देखें। अगर एक पेशेंट के पास IgA नहीं है तो उसके खिलाफ IgA के अगेंस्ट एंटी IgA एंटीबॉडीज होंगी। अगर वही पेशेंट जो है ना IgA प्रोडक्ट्स यूज करता है तो IgA अंदर चली जाएगी, तो एंटीबॉडीज आके इसमें क्या करा देंगी? एनाफिलैक्सिस यानी एलर्जिक रिएक्शंस हो जाएंगे। तो जो पेशेंट IgA सिलेक्टिव IgA डेफिशिएंट है तो आपने उसको कंट्राइंडिकेटेड करना है कि भाई आपने ये जो चीजें IgA कंटेनिंग प्रोडक्ट्स हैं वो आपने यूज नहीं करनी। तो एज ए डॉक्टर आपने सिर्फ प्रिस्क्राइब नहीं करनी होती मेडिसिन, उसको कुछ चीजों से रोकना भी होता है कि आपने प्रिकॉशंस भी करनी है, ये चीजें यूज आपने नहीं करनी। तो आई होप आपको ये समझ आ गई होगी बात। आ गया समझ? अच्छा, इसमें एक और चीज होती है कि ये फॉल्स पॉजिटिव बीटा HCG टेस्ट, इसमें ये टेस्ट पॉजिटिव आता है। ये टेस्ट होता क्या है, कौन बताएगा? बीटा HCG टेस्ट, एनी फीमेल डॉक्टर नहीं पता आपको? वेरी गुड डॉक्टर जुबैर, प्रेगनेंसी चेक करने के लिए बीटा HCG टेस्ट जो है ना ये हम परफॉर्म करते होते हैं, ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड। अगर ये पॉजिटिव होगा टेस्ट, ये अगर टेस्ट पॉजिटिव होगा तो आप कह सकते हैं कि दैट द फीमेल इज प्रेग्नेंट। अगर ये टेस्ट नेगेटिव है तो फीमेल इज नॉट प्रेग्नेंट, तो इससे हम प्रेगनेंसी चेक करते होते हैं। अब अगर ये डिजीज है फीमेल को तो इससे आपको क्या होगा? फॉल्स पॉजिटिव बीटा HCG आ जाएगी। इसमें क्या होगा कि फीमेल प्रेग्नेंट तो नहीं है, ठीक है, उसने सोचा कि शायद मैं प्रेग्नेंट हूं, मैं टेस्ट कराती हूं, उसने जब टेस्ट कराया तो उसका बीटा HCG क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया। तो डॉक्टर उससे पूछेगा कि, या गायनेकोलॉजिस्ट जो भी डॉक्टर फीमेल या मेल डॉक्टर होगी, तो वो उससे पूछेगी कि आपको पहले से कोई डिजीज तो नहीं है, सिलेक्टिव IgA डेफिशिएंसी तो नहीं है? अगर डॉक्टर शाना होगा तो ये पूछेगा हर एक से। अगर वो कहती है कि हाँ मुझे है, तो वो कहेगी सो नो इट्स स्टिल नॉट कंफर्म्ड कि आप प्रेग्नेंट है, वो फिर दूसरी टेस्ट की तरफ जाएगी, दूसरी चीजें करेगी। अगर वो कहेगी नहीं मुझे कोई इस तरह की डिजीज नहीं है, तो कहेगी कांग्रेचुलेशन यू आर प्रेग्नेंट, ठीक है। तो ये फॉल्स पॉजिटिव बीटा HCG टेस्ट भी होता है। अगर ये पेशेंट को डिजीज हो तो उससे फीमेल क्या होती है? फॉल्सली पॉजिटिव बीटा HCG टेस्ट उसका आता है, ऐसे लगता है कि वो क्या है? प्रेग्नेंट है, मगर वो प्रेग्नेंट नहीं होती, तो इसलिए फॉल्स होता है। हाँ, पेशेंट क्यों? पेशेंट को पता होगा, जब IgA नहीं होगी तो पेशेंट अडल्ट एज तक पहुंच चुका है, तो उसको कोई ना कोई सिम्टम्स तो शो, उसको सिम्टम्स शो, मैं अभी सिम्टम्स हम पढ़ते हैं, तो उसको सिम्टम्स जो शो हो चुके होंगे लाइफ टाइम में। हाँ ये भी है, वेरी गुड डॉक्टर जवेरिया। उसके लिए फिर डॉक्टर को खुद को टेस्ट करने चाहिए कि देखना चाहिए कि इसको IgA तो नहीं है, ठीक है। हो सकते हैं वो, इंशाल्लाह ताला हम जब इसको पढ़ेंगे ना डिटेल में गायनेकोलॉजी में, तो हम इसको डिटेल में करेंगे। अभी यहाँ पर आप सिर्फ जहाँ तक इसका रोल है वो कर लें, ठीक है, क्योंकि फिर हम डीप में चले गए, चीजें ज्यादा डीप हो जाती हैं तो ये भूलने लगता है, ठीक है। मैं जब वो पढ़ाऊंगा ना तो फिर मैं यूं कहूंगा, ये हमने बीटा HCG टेस्ट याद है, वो वहां पे पढ़ा था, हैं? आप कहेंगे यस जी याद है, तो हम इस तरह हमें चीजें आसानी से आगे जाएंगे। चले हम यहाँ से रीडिंग करते हैं। मेजोरिटी एसिम्प्टोमेटिक, वेरी गुड डॉक्टर जी, जैसा कह रहे थे ना, तो मेजोरिटी क्या होती है इसमें? एसिम्प्टोमेटिक होते हैं पेशेंट, जो है ना सिम्टम्स शो नहीं करता। कैन सी एयरवे एंड GI इंफेक्शंस, GIT के इंफेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि IgA किसको लाइन करती है? GIT को और एयरवे को। ऑटो इम्यून डिजीज आपको होंगी, ऑफ कोर्स IgA नहीं है तो आपके एंटीबॉडीज नहीं है, तो ऑटो इम्यून। एटोपी होगी, यानी लोकलाइज्ड कोई आपको इन्फेक्शन हो रहा होगा। एनाफिलैक्सिस होगी टू IgA कंटेनिंग प्रोडक्ट्स, अगर आप IgA कंटेनिंग प्रोडक्ट्स लेंगे तो आपको क्या हो जाएगी? एलर्जी। क्यों?
क्योंकि जो चीज IgA नहीं है तो IgA के अगेंस्ट आपके क्या होंगी, एंटीबॉडीज होंगी। डिक्रीज IgA विद नॉर्मल IgG IgM, बाकी ठीक होंगी, सिर्फ सिलेक्टिवली आपकी IgA क्या होगी, डेफिशिएंट होगी। इंक्रीज ससेप्टेबिलिटी टू जीआईडियासिस, तो ये इसके चांस बढ़ जाए, क्यों, क्योंकि IgA जो है ना ये इन्फेक्शन से बचाती है GIT में, तो जब वो लाइन नहीं कर रही तो इन्फेक्शन से नहीं बचाएगी। कैन कॉज फॉल्स पॉजिटिव बीटा HCG टेस्ट, तो आई होप सो दैट आपको सिलेक्टिव IgA डेफिशिएंसी समझ आ गई होगी। कोई चीज रह गई है, मैं देख लूं कोई चीज रह ना गई, आपको समझ ना आया तो आप लोग पूछ सकते हैं। आई होप सो दैट कि आपको समझ आ गई होगी। आगे बढ़े हैं, चलें जी नेक्स्ट पे जाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट थी। नेक्स्ट है कॉमन वेरिएबल इम्यूनोडेफिशिएंसी, अब ये जो है ना इससे कोरिलेट करेगी जरा एक्स लिंक ग्लूटेन ए हेमोग्लोबिनेमिया से। ये क्या होती है, ये होती है कॉमन वेरिएबल इम्यूनोडेफिशिएंसी, मतलब ये है कि इसमें आपके डिफेक्ट इन बी सेल डिफरेंशिएशन। याद करें वो डायग्राम, बी सेल किस में डिफरेंशिएट होते थे, प्लाज्मा सेल्स में, किस में, और प्लाज्मा सेल्स पर क्या करते थे, इम्यूनोग्लोबुलिन बनाते थे, याद है, एंटीबॉडीज बनाते थे। वो कहते हैं डिफेक्ट इन बी सेल्स डिफरेंशिएशन इनटू प्लाज्मा सेल्स, तो कुछ बी सेल्स प्लाज्मा सेल्स में डिफरेंशिएट होंगे, कुछ नहीं होंगे, तो ये बी सेल्स की डिफरेंशिएशन में डिफेक्ट आ रहा है कि कुछ तो डिफरेंशिएट कर जाएंगे, प्लाज्मा सेल्स बन जाएंगे, तो जो बी सेल्स प्लाज्मा सेल्स बन जाएंगे तो उनके मुताबिक इम्यूनोग्लोबुलिन बन जाएंगी, और जो बी सेल्स इसमें नहीं होंगे डिफरेंशिएट, उनमें प्लाज्मा सेल्स वो वाली इम्यूनोग्लोबुलिन नहीं बनेगी। तो वेरिएबल है, कॉमन है, और वेरिएबल इम्यूनोडेफिशिएंसी है, वेरिएबल इम्यूनोडेफिशिएंसी है। वेरिएबल का मतलब है कुछ इम्यूनोग्लोबुलिन बन जाएंगी, कुछ इम्यूनोग्लोबुलिन, लेकिन यहां पे क्या था, एक हेमोग्लोबिनेमिया था, इम्यूनोग्लोबुलिन बन ही नहीं रही थी, क्यों, क्योंकि बी सेल मैच्योर ही नहीं हो रहे थे। जब बी सेल्स ही नहीं है तो प्लाज्मा सेल्स बिल्कुल ही नहीं बन रहे थे, तो वो बिल्कुल बन, लेकिन यहां पर क्या है, कुछ बी सेल्स डिफरेंशिएट हो जाते हैं, कुछ नहीं होते, उनमें डिफेक्ट होता है कि कुछ तो हो गए कुछ नहीं हुए, तो कुछ इम्यूनोग्लोबुलिन बन गई, कुछ इम्यूनोग्लोबुलिन नहीं बनी, तो मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन के नंबर क्या होगा, कम होगा, नंबर क्या होगा, कम होगा। तो डिफेक्ट इन बी सेल डिफरेंशिएशन कॉजेस अननोन इन मोस्ट केसेस, ठीक है, और ये प्लाज्मा लेवल क्या है उसकी फाइंडिंग्स में, प्लाज्मा लेवल क्यों, क्योंकि डिफेक्ट है डिफरेंशिएशन में, कुछ बी सेल्स प्लाज्मा सेल्स बन रहे हैं, कुछ नहीं, तो नॉर्मल से कम हो गए प्लाज्मा सेल्स, और इम्यूनोग्लोबुलिन भी नॉर्मल से कम, क्यों, क्योंकि कुछ बन रही है कुछ नहीं बन रही। अच्छा, इसकी प्रेजेंटेशन में क्या है, वो कहता है मे प्रेजेंट इन चाइल्डहुड बट यूजली डायग्नोस्ड आफ्टर पबर्टी, ये एडल्टहुड में डायग्नोज होता है मोस्टली। तो ये एमसीक्यूज आ सकती है कि कॉमन वेरिएबल इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज कब डायग्नोज होती है, ठीक है, पबर्टी में या फिर एडल्टहुड में जाके ये डायग्नोज होती है। इंक्रीज रिस्क ऑफ ऑटोइम्यून डिजीजेस, इस बात का क्या मतलब है? है? ऑफ कोर्स, जब सिंपल सी बात है, जब आपकी इम्यूनोग्लोबुलिन नहीं बन रही, आपके प्लाज्मा सेल्स नहीं बन रहे, तो आपके जो ऑटोइम्यून डिजीज है उनका रिस्क बढ़ नहीं जाएगा, उनका रिस्क बढ़ जाएगा, वही बात कर रहे हैं। उसके बाद ये कहता है ब्रोंकियो, ये क्या लफ्ज है, ब्रोंकियेक्टासिस। ब्रोंकियेक्टासिस में क्या होता है कि आपके जो है ना ये लंग्स जो ब्रोंकाई है उनका इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। लिम्फोमा, आपके लिम्फोमा में यही होता है कि आपके लिम्फेटिक सिस्टम के क्या बन जाएंगे, ट्यूमर्स वगैरह बन जाएंगे, कैंसर वगैरह हो जाएंगे। और साइनोपल्मोनरी इन्फेक्शन आपके जो नेजल साइनस होते हैं उनमें उनका इन्फेक्शन हो जाएगा, नेजल जो आपके पैसेज इन्फेक्शन हो जाएंगे आपको, तो ये आपको ये इन्फेक्शन होते रहेंगे, ठीक है। तो ये जरा इंपॉर्टेंट नहीं थी कॉमन वेरिएबल इम्यूनोडेफिशिएंसी, ये जरा इंपॉर्टेंट थी, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट थी। जो अभी पढ़ने जा रहे हैं थायमक एप्लेशिया, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये मैं हमने पहले पढ़ी भी हुई है तो आप लोगों को आसान भी लगेगी, ठीक है, आपने पहले पढ़ी भी हुई है। अच्छा, इसमें क्या होता है, पहले आपको एक ऊपर से वो व्यू बता देता हूँ, फिर हम इसकी रीडिंग करते हैं। वो कहता है इसमें थर्ड और फोर्थ ये फ्रिंजल पाउचेस नहीं बनेगी, थर्ड और फोर्थ फ्रिंजल पाउच नहीं बनेगी। चलिए जी, डाइजेस्ट सेंट्रम, वेरी गुड डॉक्टर जवेरिया। जब थर्ड फ्रिंजल पाउच नहीं बनेगी तो थर्ड फ्रिंजल पाउच से क्या चीजें बनती थी, देखिए मैंने याद करने का नमूने बताया था, यहाँ पर एक और नमूने बताता हूँ याद करने का। टी से क्या बनता है, थाइमस, टी से क्या बनता है, थाइमस, तो थाइमस नहीं बनेगा। और आई से क्या बनता है, इंफीरियर पैराथायराइड ग्लैंड। एक तो थर्ड फ्रिंजल पाउच से थाइमस बनता है और इंफीरियर पैराथायराइड ग्लैंड बनता है, और फोर्थ से क्या बनता है, सुपीरियर पैराथायराइड ग्लैंड। अच्छा, अब मुझे बताएं कि जब जब ये थाइमस नहीं बनेगा तो
तो क्या आपके टी सेल्स बनेंगे? टी सेल्स बनेंगे? जब टी सेल्स नहीं बनेगा, आपका लिम्फ नोड बनेगा? लिम्फ नोड नहीं बनेगा, क्योंकि कहां पे होते थे टी सेल्स? लिम्फ नोड के पैराकॉर्टेक्स में, याद है? याद है उसके पैराकॉर्टेक्स में। तो पैराकॉर्टेक्स नहीं बनेगा, लिम्फ नोड नहीं बनेगा। और जो टी सेल्स थे वो किसके खिलाफ हमें सेव करते थे, याद करें जरा, टीबी, टीबी वायरस के खिलाफ। तो वायरस के इन्फेक्शन आपको बार बार होंगे। वायरल इन्फेक्शन क्या होंगे? रिकरेंट आपको वायरल इन्फेक्शन होंगे। और फंगल इन्फेक्शन होंगे कौन से? रिकरेंट वायरल एंड फंगल इन्फेक्शन होंगे। ये तो हो गया थाइमस के हवाले से, ये तो हो गया थाइमस के हवाले से। अब मूव करते हैं इंफीरियर एंड सुपीरियर पैराथायराइड ग्लैंड, उसका क्या होगा? इसमें पैराथायराइड ग्लैंड बनेगा? नहीं बनेगा। पैराथायराइड ग्लैंड नहीं बनेगा तो पैराथायराइड हार्मोन बनेगा? पैराथायराइड हार्मोन नहीं बनेगा। जब पैराथायराइड हार्मोन नहीं बनेगा तो ब्लड में कैल्शियम, क्या कैल्शियम लेवल क्या हो जाता है? डिक्रीज। ब्लड में कैल्शियम लेवल डिक्रीज होने को क्या बोलते हैं हम? हैपोकैल्शीमिया। क्या बोलते हैं? हैपोकैल्शीमिया। तो क्या हो जाएगा? हैपोकैल्शीमिया हो जाएगा। और जब पीटीएच कम होता है, इसे हैपोथायरायडिज्म भी बोलते होते हैं। क्या बोलते होते हैं? हैपोथायरायडिज्म। तो मेरे ख्याल में ये चीज आपको समझ आ गई है, ठीक है। मैं इसको एक बार फिर भी इसको रिपीट कर देता हूँ, सिर्फ इसी को रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। क्या कि थर्ड और फोर्थ फ्रिंजर पाउच नहीं बनेगी, थर्ड से थाइमस बनता है, थाइमस नहीं बनेगा तो टी सेल्स भी, जब टी सेल्स नहीं बनेगा तो लिम्फ नोड नहीं बनेगा, तो वायरस और फंगल के आपको बार बार इन्फेक्शन होंगे। और जो थर्ड है आई से इंफीरियर पैराथायराइड ग्लैंड और फोर्थ से सुपीरियर पैराथायराइड ग्लैंड, तो पैराथायराइड ग्लैंड नहीं बनेंगे तो पैराथायराइड हार्मोन नहीं बनेगा, क्या हो जाएगा? हाइपोथायराइडिज्म। और इससे कैल्शियम लेवल क्या हो जाएगा? डिक्रीज। जब कैल्शियम लेवल डिक्रीज हो जाए तो क्या हो जाती है? हैपोकैल्शीमिया। हैपोकैल्शीमिया को क्या बोलते होते हैं? टैटनी। क्या बोलते हैं? टैटनी में क्या होता है कि आपके जो मसल स्पाज होते हैं वो मसल स्पाज हो जाते हैं, आपके मसल क्या हो जाते हैं? स्पाज हो जाते हैं। तो आई होप सो दैट कि आपको ये सारी स्टोरी समझ आ गई होगी, ठीक है। अच्छा, इसमें कार्डिक डिफेक्ट भी होते हैं, आपके कार्डिक डिफेक्ट भी इसमें होते हैं, ठीक है। आपके कार्डिक डिफेक्ट भी होंगे और आपके फेस के डिफेक्ट भी होंगे। आपके किसके? आपके फेस के डिफेक्ट भी होंगे। इसमें कार्डिक डिफेक्ट होंगे और फेस के डिफेक्ट भी, ये चीज देख लें, इसको गौर से देख लें, मैं रिपीट कर रहा हूँ चीजों को, कि इसमें कार्डिक डिफेक्ट भी होंगे, इसमें फेस के डिफेक्ट भी होंगे। आपके डाइजियर सिंड्रोम में क्या होते हैं? आपके डाइजियर सिंड्रोम में ये हैपोकैल्शीमिया तो होगा ही होगा, वायरस के इन्फेक्शन होंगे ही होंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपके हार्ट कार्डिक डिफेक्ट भी होते हैं, ठीक है। और वो हम देखते हैं कौन कौन से होते हैं, और आपके फेस के डिफेक्ट भी होते हैं, वो भी हम देखते हैं कि कौन कौन से होते हैं। इसमें क्या होता है फेस के डिफेक्ट में? आपकी क्लेफ्ट पैलेट होती है। क्या होती है? क्लेफ्ट पैलेट का पता है? क्लेफ्ट पैलेट का पता है? ये जो जब बच्चा पैदा होता है उसके ये कट लगा हुआ होता है होंठ पे, ये पैलेट के ऊपर ना, तो ये क्लेफ्ट पैलेट होगी उसको, ठीक है। ये और कार्डिक डिफेक्ट भी होते हैं, डिटेल में हम इनको पढ़ते हैं कि कौन कौन से होते हैं, बस ये याद कर लें। हैपोकैल्शीमिया होगा, ठीक है, टैटनी होगी, ठीक है, हैपोथायराइडिज्म होगी, ठीक है, और वायरस के और फंगल के इन्फेक्शन उसको बार बार होंगे, ठीक है, और उसको, हाँ यही चीज़ें उसको, ठीक है, समझ आ गया? इसको क्लियर कर दूं मैं? अब इसकी रीडिंग करें। अच्छा, जब थाइमस नहीं होगा तो क्या आपको थाइमस का शेडो मिलेगा सीएक्सआर में, एक्सरे में? नहीं मिलेगा, थाइमस का शेडो भी नहीं मिलेगा। चलें जी, इसकी रीडिंग करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली थाइमा की प्लेशिया, जितनी भी आप पढ़ेंगे ये इम्यूनोडेफिशिएंसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाली है, ठीक है। बच्चों में बड़ों में तो होता ही नहीं है, बड़ों में थाइमस होता है, एडल्ट्स में नहीं, वो तो मिसिंग हो जाता है, ठीक है। आई थिंक ये कोई 6 माह पढ़ा था मेरे ख्याल में, 6 माह तक मेरे ख्याल में ये होता है, ये हमने थाइमस में पढ़ा था, लेट्स सी के ऊपर नीचे ना हो जाए, ये भूल रहा है थोड़ा सा, ये हमने पढ़ा था। थ्री इयर्स के बाद जो है ना ये क्या होता है आपका, ये ठीक है। चलिए जी, हम यहाँ पर थे, रीडिंग करते हैं, आप रीडिंग करते हैं। ये चीज कौन बताएगा मुझे? थाइमक एप्लेशिया। थाइमक का मतलब होता है थाइमस, एप्लेशिया। एप्लेशिया क्या होता है? ए का मतलब होता है नहीं, प्लेशिया सेल्स, मतलब थाइमस के सेल्स ही नहीं होंगे, थाइमस ही नहीं होगा आपका। ये कौन बताएगा? 22q11 माइक्रो डिलीशन। इसका क्या मतलब होता है कि आपका जो क्रोमोसोम नंबर 22 है, क्रोमोसोम नंबर 22 है। अब क्रोमोसोम की दो आर्म्स होती है, पता है आपको, एक पी आर्म, एक क्यू आर्म। पी आर्म शॉर्ट आर्म होती है, क्यू आर्म लॉन्ग आर्म होती है। तो ये क्रोमोसोम नंबर 22 लॉन्ग आर्म क्यू, उसके कौन सा नंबर पे है जीन अलील? 11 नंबर। तो 11 पॉइंट्स में उसकी क्या होगी? उसकी
म्यूटेशन होगी, लेकिन माइक्रो डिलीशन होगी, यानी छोटी सी डिलीट हो जाएगा, एक एक छोटा सा उसका जो है ना यो जो उसका नाइट्रोजनस बेस होगी वो क्या हो जाएगी, न्यूक्लियोटाइड उसका क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। जब वो डिलीट होगा तो ये इन्फेक्शन होगा, जब वो डिलीट होगा 22q, आपने बस इतना याद रखना है, क्या याद रखना है आपने कि 22q11 मैक्रो डिलीशन causes failure to develop third and fourth pharyngeal pouch. कि थर्ड एंड फोर्थ pharyngeal pouch क्यों नहीं बनती, क्योंकि 22q11 मैक्रो डिलीशन होती है जीन की। तो एब्सेंट थाइमस, आपका थाइमस क्या होता है, एब्सेंट, और पैराथायराइड ग्लैंड जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। डाइजियर सिंड्रोम आपको हो जाएगी, यानी आपका थाइमक, पैराथायराइड ग्लैंड और कार्डियक डिफेक्ट्स होंगे आपको, ठीक है, आपको ये सारे डिफेक्ट्स होंगे। अच्छा, वेलोकार्डियोफेशियल सिंड्रोम भी आपको ये इससे होगा, क्या क्लेफ्ट पैलेट होगा आपको, फेशियल डिफेक्ट्स होंगे आपको, कार्डियक डिफेक्ट्स होंगे आपको, ये वही है जो मैंने चीजें बताई है। अच्छा, आपने यहाँ पर क्या याद रखना है, वो कहता है कैच 22 के 22 को आपने पकड़ना है, कैच करना है, ठीक है। सी से पहले सी से आगे कार्डियक डिफेक्ट्स कौन कौन से, टेट्रालोजी ऑफ फैलेट, टेट्रालोजी ऑफ फैलेट क्या होता है, टेट्रालोजी ऑफ फैलेट ये होता है कि जब बच्चा प्रेगनेंसी के दौरान होता है तो उसकी जो डेवलपमेंट हो रही होती है बच्चे की, तो उसमें जो ब्लड की जो डेवलप, सॉरी आपके हार्ट की जो डेवलपमेंट है वो प्रॉपर नहीं होती, तो उसका जो ब्लड फ्लो होता है हार्ट में, जो ब्लड फ्लो होता है जो यहाँ से आता है, यहाँ से जाता है, यहाँ से ऐसे आके ये उसका जो ब्लड फ्लो है हार्ट के अंदर से, ये नॉर्मल नहीं रहता। यही होता है ना कि बॉडी से ब्लड आता है आपके राइट एट्रियम में, फिर राइट वेंट्रिकल में, फिर प्रोनोरी आर्टरी के जरिए लंग्स में, फिर लंग से राइट लेफ्ट लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर वहां से पूरी बॉडी को, तो ये ब्लड फ्लो जो हार्ट के अंदर होगा वो सारा ठीक तरह से नहीं होगा, ठीक है, इसे बोलते हैं टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट। अच्छा, उसके बाद है ट्रंकस एट्रियोसिस, ये क्या होता है ट्रंकस एट्रियोसिस, ये भी ये होता है कि वही वही बात के जब, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड डॉक्टर जवेरिया, डॉक्टर जवेरिया वेरी गुड, इओल्टा और जो पल्मोनरी आर्टरी होती है, जब जब बच्चा प्रेगनेंसी के दौरान उसकी जब डेवलपमेंट हो रही होती है तो उसके दौरान ये जो यहाँ से पल्मोनरी ट्रंक निकलती है, जो पल्मोनरी आर्टरी निकलती है वो कहाँ पे लेके जाती है ब्लड को, लंग्स में लेके जाती है वो, और जो आपका इओल्टा निकलता है लेफ्ट वेंट्रिकल से, ठीक है, ये जब बच्चा शुरू में उसकी डेवलपमेंट हो रही होती है तो ये एक साथ होते हैं, क्या होते हैं, एक साथ होते हैं, तो इनकी वो नहीं हो पाती, ये अलग अलग नहीं हो पाता, सेपरेट नहीं हो पाता, तो इनके दरमियान कनेक्शन रह जाता है इस तरह, तो ये कनेक्टेड रहते हैं, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ट्रंकस आर्टरियोसिस। जब ये अलग नहीं होंगे तो क्या आपका ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग अलग होगा, नहीं होगा, वो क्या होगा, साथ साथ। तो मेरी स्पीड कुछ तेज तो नहीं है, तेज है, चलिए मैं मजीद स्लो कर देता हूँ। तो ये समझ आ गया ट्रंकस आर्टरियोसिस, या मैं इसको रिपीट कर दूं एक बार, आगे समझ, चले डॉक्टर सलीम समझ आ गया, आगे रिपीट करूं, चले मैं रिपीट कर देता हूँ। ट्रंकस आर्टरियोसिस क्या होता है, ट्रंकस आर्टरियोसिस ये होता है कि जब प्रेगनेंसी के दौरान ना, जब ये हार्ट की डेवलपमेंट होती है, ये हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह सीबीएस में ना, कि ये डेवलपमेंट इसकी कैसी होती है, हार्ट की एम्ब्रियोलॉजी कैसी होती है, जब उसकी डेवलपमेंट हो रही होती है तो पहले आपका ये जो पल्मोनरी आर्टरी होती है जो कि आपके राइट वेंट्रिकल से निकलती है, और पल्मोनरी जो आपका एओर्टा होता है जो कि आपकी लेफ्ट उससे निकलता है वेंट्रिकल से, इसमें कौन सा ऑक्सीजनेटेड खून होता है, साफ वाला, इसमें क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड खून। तो जब ये डेवलपमेंट हो रही होती है, ये दोनों मिले हुए होते हैं, जब ऐसा ऐसा प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे की डेवलपमेंट बढ़ती जाती है तो ये सेपरेट हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, सेपरेट, अलग अलग हो जाते हैं, ताकि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट रखा जाए। लेकिन इस डिजीज के दौरान, थायमक एप्लेशिया के दौरान कार्डियक डिफेक्ट होता है, और कार्डियक डिफेक्ट में क्या होता है कि आपका ये जो पल्मोनरी ट्रंक है और पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा, ये मिक्स रहते हैं, ये आपस में मिले रहते हैं, ये सेपरेट नहीं होते, तो इस तरह आपका ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिला हुआ होता है, ठीक है, ये इकट्ठे होता है, तो इसको बोलते हैं ट्रंकस आर्टरियोसिस। हाँ, बिल्कुल, डिटेल्स में हम इंशाल्लाह जब जब जैसे जहां जहां बारी आएगी वहां वहां उसको छितर फेरेंगे। चलें जी, एबनॉर्मल फेसिस, आपका जो फेस होता है वो एबनॉर्मल सा होता है। थायमक एप्लेशिया, हाइपोप्लेशिया, हाइपो का मतलब होता है कम होना, प्लेशिया सेल्स, उसके सेल्स कम होंगे, टी सेल डेफिशिएंसी होगी, क्यों क्यों टी सेल डेफिशिएंसी क्यों होगी, थायमस ही नहीं है तो मैच्योर, रिकरेंट वायरल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, क्यों क्यों क्यों, मैंने कहा था ना टीवी अभी मैंने पढ़ाया है टीवी के, वायरल इन्फेक्शन को कौन से बोलता है, टी सेल्स, तो वायरल एंड फंगल इन्फेक्शन होंगे, क्लेफ्ट पैलेट होगी, ये फेशियल डिफेक्ट होगा, हाइपोकैल्शिमिया होगा, हैं, हाइपोकैल्शिमिया, सेकेंडरी टू पैराथायराइड एप्लेशिया, यानी पहले क्या होगा, पैराथायराइड एप्लेशिया होगा,
ठीक है, पैराथायराइड ग्लैंड नहीं बनेंगे, पैराथायराइड हार्मोन नहीं बनेगा, हाइपोथायरायडिज्म होगा तो हाइपोकैल्शेमिया हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो जाएगी फिर आपको, फाइंडिंग्स ब्लड की, कि आपके टी सेल्स, पैराथायराइड हार्मोन, हाइपोकैल्शेमिया होगा और थाइमक शैडो एब्सेंडन सीएक्सआर, ये भी आपको वहां पर, ये ब्लड फाइंडिंग, ये थाइमक एप्लेशन समझ आ गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट था, समझ आ गया, पक्की बात है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाली है थाइमक एप्लेशिया। चलें जी नीचे देखते हैं, नीचे है इंटरल्यूकिन 12 रिसेप्टर डेफिशिएंसी, आपको आती है कैसे भला, सिंपल सा है, आपको आती है, देखें देखें, हमने पढ़ा था ये एंटीजन थी, ये मैक्रोफेज था, अंदर इंगल्फ हुई, एमएससी क्लास 2 जहर हुई, ये चीज आपको पता है ना, यहाँ पे कौन सा CD4 होता था, कौन सा होता था, CD4 इसको पकड़ता था और यहां से एक सेकंड सिग्नल आता था, याद करें जरा, इंटरल्यूकिन 12, जब ये सेकंड सिग्नल इंटरल्यूकिन 12 आता है तो इसको इसके ऊपर एक्ट करने के लिए रिसेप्टर्स तो चाहिए होंगे ना, तो ये इंटर, ये इनको जरा बोले कि शोर ना करें, तो इंटरल्यूकिन 12 के रिसेप्टर्स होंगे, इंटरल्यूकिन 12 के रिसेप्टर्स होंगे, तो ये रिसेप्टर्स के ऊपर आके एक्ट करेगा ना, यहाँ पे रिसेप्टर्स होंगे तो ये एक्शन होगा। जब ये सेकंड सिग्नल ये वाला आता था, जब सेकंड सिग्नल ये वाला आता था तो CD4 पॉजिटिव सेल्स क्या बन जाते थे, टी हेल्पर सेल 1 बन जाते थे, और टी हेल्पर सेल 1 का काम क्या होता है, ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन। डॉक्टर जुबैर अब कई बार मैंने पूछा तो वो अब काफी गुस्से में हैं, तो ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन, अब इंटरफेरॉन गामा याद है, इंटरफेरॉन गामा वो मैक्रोफेज को एक्टिवेट करते थे, एपिथेलियल सेल्स, एपिथेलियल सेल्स से फिर ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा भी आता था, ये मतलब यहां पे क्या बन जाता था, टीबी के गिर्द गिर्द वॉल ऑफ हो जाती थी, ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन हो जाती थी, तो ये चीज है। अब मुझे बताएं यहां पर इसमें क्या हो रहा है, इंटरल्यूकिन 12 रिसेप्टर डेफिशिएंसी है, ये वाले रिसेप्टर्स ही नहीं है, ये वाले रिसेप्टर्स नहीं है, जब रिसेप्टर्स नहीं होंगे, जब रिसेप्टर्स, तो क्या ये इंटरल्यूकिन 12 इसके ऊपर एक्ट कर पाएगा, ये एक्ट नहीं करेगा। CD4 क्या टी हेल्पर सेल 1 बनेगा, नहीं बनेगा, मतलब आपके टी हेल्पर सेल 1 क्या हो जाएंगे, कम पड़ जाएंगे। जब टी हेल्पर सेल 1 कम पड़ेंगे तो क्या ये ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन होगी, नहीं होगी। जब ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन नहीं होगी तो क्या आपका टीबी, ये माइकोबैक्टीरियम जो होते हैं, क्या उनकी किलिंग होगी, नहीं होगी, तो उनके सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये आपका क्या होता है, इंटरल्यूकिन 12 रिसेप्टर डेफिशिएंसी होती है। दोबारा समझाऊं, आसान सा था ना, या रिपीट करूं, एनी डॉक्टर रिपीट करने की जरूरत है, चलिए जी मैं इसकी रीडिंग करता हूं, इसकी रीडिंग करते हैं। रीडिंग में क्या है, जब तक मैं साफ करता हूं आप रीड करें जरा, ये समझ आता है मेरे बगैर रीडिंग कराने से, आई थिंक समझ तो आ जाएगा आपको। क्या होता है, TH1 रिस्पॉन्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ऑफ कोर्स TH1 बनेगा ही नहीं। ऑटोसोमल रिसेसिव होती है, इसका क्या मतलब है कि इसका जो जीन है वो ऑटोसोम क्रोमोसोम्स के ऊपर होगा, और रिसेसिव का मतलब क्या है कि दोनों को क्या होना पड़ेगा, रिसेसिव। अगर ये डिजीज वो चाहते हैं तो अगर 22 क्रोमोसोम है तो हम कहते हैं 22 क्रोमोसोम के दोनों एलील्स क्या होने चाहिए, रिसेसिव, अदरवाइज ये डिजीज नहीं होगी। अच्छा, डिसेमिनेटेड माइकोबैक्टीरियम एंड फंगल इंफेक्शंस, वो ये इंफेक्शंस बार-बार होते रहेंगे उसको। मैनी प्रेजेंट आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ BCG वैक्सीन, तो वो कहता है BCG अगर हमने इसको वैक्सीन दी है, BCG वैक्सीन क्या होती है, टीबी के अगेंस्ट वैक्सीन होती है, किसके अगेंस्ट, टीबी के अगेंस्ट, और ये भी लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है। इसमें हम पैथोजन को क्या करते हैं, वीक करते हैं, पैथोजन को क्या करते हैं, वीक। अब वीक पैथोजन भी जाके क्या कर देगा, डिजीज कर देगा, क्यों, क्योंकि इसमें तो TH1 बन ही नहीं रहा, TH1 मेमोरी सेल्स, मतलब वो सेल्स बन नहीं रहे, जब इम्यून सिस्टम है ही नहीं, जब उनकी काउंटिंग ही कम है, काउंटिंग ही कम है, तो वीक सा पैथोजन भी जाके क्या कर देगा, डिजीज काज कर देगा। तो इसलिए बोलते हैं कि उसको हम BCG अगर ये वैक्सीन देते हैं टीबी के लिए, तो ये एडमिनिस्टर करने के बाद भी उसको ये प्रेजेंट हो जाएगी, ये डिजीज उसको हो जाएगी। इंटरफेरॉन गामा क्यों, क्योंकि TH1 नहीं बन रहा। मोस्ट कॉमन काज ऑफ मेंडेलियन ससेप्टिबिलिटी टू माइकोबैक्टीरियल डिजीज, तो ये वही बात कर रहा है कि माइकोबैक्टीरियल डिजीज की सबसे मोस्ट कॉमन काज ये होती है, क्यों, क्योंकि यहां से TH1 ही नहीं बनता, समझ आ गया, पक्की बात है। मतलब ये इसके चांसेस बढ़ जाते हैं, वो उस तरफ आप ना जाए, ठीक है, वो जेनेटिक्स में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला, जब हम उसमें जाएंगे ना बायोकेमिस्ट्री में। अब यहाँ पर देखेंगे माइकोबैक्टीरियल डिजीज की जो ससेप्टिबिलिटी है वो बढ़ जाती है, ठीक है, तो
उसके चांसेस, मेंडेलियन ससेप्टिबिलिटी, मैकोबैक्टीरियल डिजीज MSMD, ये बढ़ जाएगी। समझ आ गया? पक्की बात है? वेरी गुड। नेक्स्ट हमारा क्या है? ऑटोसोमल डोमिनेंट हैपर आईजीई सिंड्रोम, इसको जॉब सिंड्रोम भी बोलते होते हैं। इसका मतलब जो इसका लफ्ज बता क्या रहा है आपको, आपको ये क्या समझ आता है कि ये क्या कहना चाहता है, ये क्या कहना चाहता है आपको, ये कुछ समझ आ रहा है कि ये बंदा क्या कहना चाहता है? ऑटोसोमल डोमिनेंट का मतलब क्या है कि इसका जीन कहाँ पे होगा? ऑटोसोम के ऊपर, और डोमिनेंट होगा मतलब एक भी जीन खराब हुआ तो काम खराब हो जाएगा। ठीक है। हैपर आईजीई, हैपर का मतलब ज्यादा, आईजीई मतलब आईजी आपकी ज्यादा होगी, सिंड्रोम है। और इसका दूसरा नाम है जॉब सिंड्रोम। दूसरा नाम क्या है? और इसी को यूटिलाइज करते हुए हम एक फार्मूला बनाएंगे इसकी इसके जॉब से। हाँ, तो हम एक फार्मूला भी बनाएंगे। अच्छा, क्या होता है इसमें, क्या होता है इसमें? ये होता है कि आपका जो स्टेट थ्री है, ये वाला स्टेट थ्री, स्टेट थ्री, ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है ये खराब हो जाता है। जब ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर खराब होता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का काम क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन कराना। ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी तो प्रोटीन्स नहीं बनेगी। दो दो चीज के, दो तरह के प्रोटीन्स नहीं बनते, दो इसमें इन्फेक्शन होते हैं। पहला, इसमें टी हेल्पर सेल 17 नहीं बनेंगे, टी हेल्पर सेल 17 नहीं बनेंगे। दूसरा, दूसरा हम पढ़ते हैं उसमें क्या, पहला इन्फेक्ट इसका यही होगा, टी हेल्पर सेल 17 नहीं बनेंगे। याद करें जरा, टी हेल्पर सेल 17 क्या सिक्रेट करता था? इंटरल्यूकिन 17। हमने कहा था कि इसके सेक्रेशन से इसका नाम रखा गया है। और इंटरल्यूकिन 17 का काम क्या था कि कीमोटैक्टिक फैक्टर, न्यूट्रोफिल के लिए कीमोटैक्टिक फैक्टर रिलीज करता था। याद है? कीमोटैक्टिक फैक्टर रिलीज करता था। जब आपका इंटरल्यूकिन 17 ही नहीं है तो क्या कीमोटैक्टिक फैक्टर रिलीज होगा? नहीं होगा। क्या न्यूट्रोफिल्स अट्रैक्ट होंगे एट द साइट ऑफ इंफेक्शन? नहीं होंगे। जब इंफ्लेमेशन तो वहां पर हो रही है, इंफ्लेमेशन हो रही है, इन्फ्लेमेशन हो रही है, लेकिन वहां पर न्यूट्रोफिल्स नहीं पहुंच रहे। न्यूट्रोफिल्स का काम होता है क्या, क्या काम होता है? इन्फ्लेमेशन कराना। जब न्यूट्रोफिल्स ही वहां पर नहीं पहुंचेंगे तो वहां पर अब्सेस फॉर्मेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अब्सेस फॉर्मेशन। लेकिन अब्सेस फॉर्मेशन कूल होगी, क्या होगी? कोल्ड, कोल्ड अब्सेस फॉर्मेशन होगी। बेसिकली जो अब्सेस फॉर्मेशन होती है ये वार्म्थ होती है। क्या होती है? वार्म्थ, गर्म होती है। क्यों? क्योंकि वहां पर न्यूट्रोफिल्स आते हैं, न्यूट्रोफिल्स क्या करते हैं? इन्फ्लेमेशन करते हैं। तो आपको क्या होती है? जलन सी होती है, और वार्म सी होती है, और नरम सी होती है। लेकिन यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स नहीं आ रहे। जब न्यूट्रोफिल्स नहीं आ रहे, अब्सेस, अब्सेस फॉर्मेशन तो होगी ही होगी, लेकिन कूल्ड अब्सेस फॉर्मेशन होगी, वहां पर वो वार्म नहीं होगी। ये जो आपको दाने से निकल आते हैं, सराकी में उसको मल्ला वगैरह बोलते हैं, पता नहीं हिंदी में, सिंधी में या दूसरी चीजों में उसको क्या बोलते हैं नहीं पता। तो वो क्या निकल आता है, उसको जख्म वगैरह बन जाता है, और वो सख्त सा होता है, तो शुरू में सख्त सा होता है, फिर ऐसा ऐसा नरम पड़ता जाता है। तो वो उसे होते, वो होती है कोल्ड अब्सेस, कोल्ड अब्सेस फॉर्मेशन। क्यों होती है? क्यों? क्योंकि आपका क्या होता है, स्टेट थ्री ये नहीं बन रहा होता, तो टी है 17, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 17 में, स्टेट थ्री में डिफेक्ट होगा, तो टी है परसेंट 17 कम होंगे, आपका इंटरलेक्ट 17 कम होगा, तो न्यूट्रोफिल्स के लिए कीमोटैक्टिक फैक्टर नहीं आएगा, न्यूट्रोफिल्स एट द साइट ऑफ इंफ्लेमेशन नहीं जाएंगे। जब वो वहां पर नहीं जाएंगे तो जो अब्सेस फॉर्मेशन है वो वार्म्थ नहीं होगी, बल्कि क्या होगी? कोल्ड अब्सेस फॉर्मेशन होगी। क्यों? क्योंकि वहां पर इन्फ्लेमेशन ही नहीं हो रही। जब इन्फ्लेमेशन नहीं होगी तो अब्सेस फॉर्मेशन क्या होगी? कोल्ड होगी। समझ आ गया है? समझ आ गया है? या रिपीट करूं इसको मैं? रिपीट करने की जरूरत है? एक बार रिपीट कर देता हूं। देखिए, इसमें क्या होता है, स्टेट थ्री ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डिफेक्ट होगा, डिफेक्ट होगा स्टेट थ्री ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर में। जब इसमें डिफेक्ट आएगा तो इसमें डिफेक्ट होने से सबसे पहला काम क्या, दो काम होते हैं, सबसे पहला काम होता है, दूसरा काम बाद में पढ़ते हैं, पहला काम देख लें कि टी हेल्पर सेल 17 नहीं बनेंगे। और टी हेल्पर सेल 17 का काम होता है कि इंटरल्यूकिन 17 बनाना, और इंटरल्यूकिन 17 का काम होता है कि कीमोटैक्टिक फैक्टर को रिलीज करना, और वो कीमोटैक्टिक फैक्टर न्यूट्रोफिल्स को बुलाता है, और न्यूट्रोफिल्स आके क्या कराते हैं? इन्फ्लेमेशन कराते हैं। जबकि यहां पर टी हेल्पर सेल 17 है ही कम, इंटरल्यूकिन 17 भी कम है, तो कीमोटैक्टिक फैक्टर भी कम है, तो न्यूट्रोफिल्स भी कम आएंगे, तो इन्फ्लेमेशन भी कम होगी। जब इन्फ्लेमेशन नहीं होगी तो अब्सेस फॉर्मेशन तो होगी, लेकिन कोल्ड अब्सेस फॉर्मेशन होगी, वार्म्थ नहीं होगी। तो ये कंसेप्ट है इसके पीछे। आई होप समझ आ गया होगा। आ गया समझ? अच्छा, इसका दूसरी चीज क्या होती है?
दूसरी चीज ये होती है कि आपकी आईजीई जब स्टेट थ्री म्यूटेशन होगी तो आपकी आईजीई की क्लास स्विचिंग हो जाएगी। किसकी आईजीई की क्या हो जाएगी? इसका बेसिक मैकेनिज्म आज तक नहीं पता चला कि कैसे होती है क्लास स्विचिंग, लेकिन यही है कि आप देख लेंगे आईजीएम से क्लास स्विचिंग हो जाती है आईजीई की तरफ। ये 20 साल के ऊपर क्या होते हैं आईजीएम, तो आईजीएम से क्लास स्विचिंग हो जाएगी आईजीई की, आईजीई ज्यादा बनना शुरू हो जाएंगी, तो इसलिए इसको बोलते हैं हाइपर आईजीई सिंड्रोम इसको बोलते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें क्या होगा, जब आईजीई ज्यादा बनती थी तो याद करें ये इओसिनोफिल्स के ऊपर, इसिनोफिल्स के ऊपर याद है, इसिनोफिल्स के ऊपर जाके बैठती थी आईजीई, आईजीई इसिनोफिल्स के ऊपर जाके बैठती थी और उनको क्या करती थी एक्टिव करती थी, तो इस तरह ये एनाफिलैक्सिस रिएक्शन काज करेंगे। ठीक है, तो ये समझ आ गया कि आईजीई बढ़ जाएगी, उसकी क्लास स्विचिंग बढ़ जाएगी, तो वो इसिनोफिल्स को जाके, ये हमने पढ़ा था याद है आपको जब हमने एसोटाइप्स आईजीई पढ़ी थी इम्यूनोग्लोबुलिंस की, तो उसमें हमने पढ़ा था कि इसिनोफिल्स के ऊपर जाके बैठती हैं और उसकी क्या कराती हैं एक्टिवेशन और वहां पे एनाफिलैक्सिस रिएक्शंस कराती हैं। तो आई होप सो दैट कि आपको समझ आ, अच्छा इसको याद करने का तरीका यह है कि यू कांट गेट द 17 स्केल जॉब, कौन सी है 17 जॉब, जॉब सिंड्रोम है ना, तो यू कांट गेट 17 स्केल जॉब। ठीक है, मतलब जॉब सिंड्रोम जब होगी तो आपका इंटरल्यूकिन 17 नहीं बनेगा। ठीक है, और दूसरा क्या है, नाम खुद बता रहा है हाइपर आईजी सिंड्रोम, दूसरा इसमें आईजी आपका क्या बनेगा ज्यादा बनेगा। समझ आ गई है, अब रीडिंग करें इसकी, पक्की बात है, चले अब हम इसकी रीडिंग करते हैं, लेक्चर आज लंबा हो रहा है ना, 50 मिनट्स वर्क कर चुका है, चलो थोड़ा सा और सबर, सबर का फल बहुत मीठा होता है, लेकिन कहीं कहीं पर ज्यादा सबर भी जाना खराब कर देता है। सही बात है जुबैर, डेफिशिएंसी ऑफ TR17 सेल्स ड्यू टू स्टेट थ्री म्यूटेशन, ये बात समझ आ गई होगी आपको, इम्पेयर्ड रिक्रूटमेंट ऑफ न्यूट्रोफिल्स टू साइट्स ऑफ इंफेक्शन, ये इंपेयरमेंट हो जाती है इसकी, समझ आ गई है चीज। अच्छा, कोल्ड नॉन इन्फ्लेम्ड, यानी उसमें इन्फ्लेमेशन नहीं होगी, नॉन इन्फ्लेम्ड म्यूटेशन होगी, स्टेफलोकोकल एब्सेस फॉर्मेशन, जो एब्सेस फॉर्मेशन होती है वो किसकी वजह से होती है, स्टेफलोकोकस बैक्टीरिया की वजह से होती है। अच्छा, रिटेन्ड बेबी टीथ, जब हाइपर आईजीई होती है ना, आईजीई बढ़ जाती है, तो आपको पता है जो जो बच्चा होता है उसके पहले वाले दांत गिर जाते हैं ना, फिर उनकी जगह पर दूसरे दांत आते हैं, ये तो नहीं पता शुक्र है कि बड़ी बात पता है आपको, बहुत बड़ी बात पता है। चले, तो उसके पहले वाले दांत नहीं गिरेंगे बल्कि उनकी जगह पर पीछे की तरफ दो और दांत निकल आएंगे, क्योंकि और दांत तो निकलने हैं, दूध वाले दांत और दूसरे दांत होते हैं, परमानेंट टीथ हैं, वो पढ़ते थे हम बचपन में 6 क्लास में मेरे ख्याल में 7वीं में, एक अर्जी दांत होते थे, एक मुस्तकिल दांत होते थे, तो ये मुस्तकिल दांत भी बन जाएंगे, तो दांतों की दो लेयर्स हो जाएंगी। ठीक है, रिटेन्ड बेबी टीथ, तो उनकी टू लेयर्स उसकी होगी, पीछे वाले दांत भी रिटेन रहेंगे, अगले भी बन जाएंगे, कोर्स फेशीज, उसमें कोर्स ही होगा, उसका फेसेस वगैरह होंगे, डर्माटोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, एक्जिमा, वही जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि उसको अब्सेस, कोल्ड अब्सेस फॉर्मेशन हो जाएगी उसकी स्किन के ऊपर ना, आईजी का लेवल ज्यादा होगा, बोन फ्रैक्चर उसको ज्यादा होंगे फ्रॉम माइनर ट्रॉमा, छोटा छोटा सा ट्रॉमा होगा, पेशेंट आपके पास आएगा कहेगा जी उसकी जो ना वो टूटी हुई होगी हड्डी सही तरह से, आप कहेंगे लाला किसने इसको मार दिया इतना जबरदस्त करके इसकी हड्डी टूटी हुई है, कहेगा लाला मैंने इसको हल्का सा थप्पड़ मारा इसकी हड्डी टूट गई है, तो वो मतलब माइनर से ट्रॉमा भी होगा, माइनर से ट्रॉमा तो उससे उसकी बोन फ्रैक्चर हो सकती है। ब्लड फाइंडिंग्स, आईजी बड़े होगा, एसिनोफिल्स बड़े होंगे, इसिनोफिलिया हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो आईजीई उसको ज्यादा एक्टिव करती है। अच्छा, ये आप यहाँ से ए बी सी डी ई एफ से याद कर सकते हैं कि ए से अब्सेस लेकिन कोल्ड अब्सेस, बी से बेबी टीथ, सी से कोर्स फेशीज, डी से डर्माटोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, ई से आईजीई और एफ से फ्रैक्चर्स ऑफ बोन्स होते हैं। ठीक है, समझ आ गया, समझ आ गया, या करूं मैं इसको रिपीट किसी और तरह से, हैं रिस्पॉन्स क्या करें, आगे समझ, वेरी गुड, आगे देखें, क्रोनिक म्यूकोकोटोनियस कैनिडियासिस, आसान सी है, नॉट मच इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें क्या होता है, टी सेल डिसफंक्शन हो जाता है, इसमें आपका जो एयर जीन होता है उसमें प्रॉब्लम होता है, आपने पढ़ा हुआ है याद है, हमने वो पढ़ा था थाइमस की, जब वो उसमें मैचुरेशन जब होती है तो मेडुला में क्या होती थी, नेगेटिव सिलेक्शन होती थी, कि जब कोई आपका टी सेल बन गया है CD4 हो या CD8 हो तो एयर जीन होता था, ऑटो इम्यून रेगुलेटरी जीन याद है, ये जीन जो है ना सेल्फ एंटीजन इसको प्रेजेंट करता था, तो वो सेल्फ एंटीजन को अगर रिकॉग्नाइज कर लेता था तो इसकी एपोप्टोसिस हो जाती थी, अगर वो उसको नहीं मारता था, इसके खिलाफ एक्शन शो नहीं करता था, तो वो क्या हो जाता था, सिलेक्ट हो जाता था,
तो यहां पर यही मसला होता है कि ये एयर जीन में डिफेक्ट होता है। जब एयर जीन में डिफेक्ट होता है तो आपकी ये एंटीजन सही तरह से रिप्रेजेंट हो पाएंगे इनको सेल्फ एंटीजन नहीं, तो आपके टी सेल्स जो अपनी बॉडी के खिलाफ होंगे वो उनकी यानी कि टी सेल्स की जो मैचुरेशन है वो डिसफंक्शन हो जाएगी, वो टी सेल्स ऐसे बनते ही जाएंगे विद आउट प्रॉपर मैचुरेशन, तो वो टी सेल्स की क्या हो जाती है, डिसफंक्शन हो जाती है। इम्पेयर्ड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, तो जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है वो किसकी वजह से होती है, CD8 पॉजिटिव और टी हेल्पर सेल 1 की वजह से होती है। पता है आपको ये चीजें कि जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है CD8 से और टी हेल्पर सेल 1 से होती है। CD4 की जो टी हेल्पर सेल 2 होते हैं वो कौन सी कराते हैं, वो तो ह्यूमरल मीडिएटेड कराते हैं, तो ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है जो उसमें डिफेक्ट्स होंगे। अगेंस्ट कैंडिडा, कैंडिडा की जो SP क्लास है इसके खिलाफ उसको बार बार इन्फेक्शन होंगे, क्यों, क्योंकि कैंडिडा के इन्फेक्शन को कौन संभालते हैं, ये आपके टी हेल्पर सेल 1 या फिर CD8 साइटोटॉक्सिक सेल संभालते हैं, तो जब ये इनका डिसफंक्शन है तो उनके इन्फेक्शन बार बार होंगे। क्लासिक फॉर्म कॉज्ड बाय डिफेक्ट्स इन एयर जीन, तो ये वही बात बता रहे हैं कि एयर जीन में डिफेक्ट होगा तो प्रॉपर उसकी डिसफंक्शन हो जाएगी, तो ये सारा प्रोसेस होगा। उसके बाद है परसिस्टेंट नॉन इन्वेसिव कैंडिडा अल्बिकेज इन्फेक्शन ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, वही बात बता रहा है कि आपको परसिस्टेंट यानी आपको नॉन इन्वेसिव कैंडिडा का इन्फेक्शन आपको होते रहेंगे बार बार, कैंडिडा का इन्फेक्शन आपको बार बार होते रहेंगे, क्यों, क्योंकि आपका CD8 और TL% 1 ही नहीं बन रहे एयर जीन के डिफेक्ट की वजह से। और इन्फेक्शन कहाँ पे होते हैं, आपको स्किन के इन्फेक्शन होंगे और म्यूकस मेम्ब्रेन के इन्फेक्शन होंगे, नाम खुद बता रहा है म्यूकोक्यूटेनियस, म्यूकस क्यूटेनियस मतलब स्किन, तो आपको स्किन पे इन्फेक्शन होंगे किसके, कैंडिडा के, और क्रोनिक होंगे, लंबे अरसे के लिए होंगे, क्रोनिक होंगे, स्किन के ऊपर होंगे, म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर होंगे और कैनेडिडा की वजह से होंगे, तो इसलिए इनको बोलते हैं क्रोनिक म्यूकोक्यूटेनियस कैनेडियासिस इन्फेक्शन होंगे। अच्छा, एब्सेंट इन विट्रो टी सेल प्रोलिफरेशन इन रेस्पॉन्स टू कैनेडिडा एंटीजन, वो कहते हैं अगर हमने कैनेडिडा एंटीजन को इन विट्रो किया है, पेशेंट के अंदर इंजेक्ट किया है, पेशेंट के अंदर क्या किया है, इंजेक्ट किया है, जब ये इंजेक्ट करेंगे एंटीजन, कैनेडिडा एंटीजन वैक्सीन इंजेक्ट करेंगे तो फिर भी टी सेल्स प्रोलिफरेट नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि उनके डिसफंक्शन है, उनकी वो मैच्योरिटी वो सही तरह से नहीं हो रही, वो इसके खिलाफ कोई रिस्पॉन्स ही शो नहीं करेंगे। एब्सेंट क्यूटेनियस रिएक्शन टू कैंडिडा एंटीजन, मतलब जब ये कैंडिडा दाखिल होता है ना तो ये हमें स्किन के इन्फेक्शन कराता है, क्यूटेनियस के और म्यूकस मेम्ब्रेन के, तो हमारी जो क्यूटेनियस रिएक्शन इसके खिलाफ होते हैं, ये भी इम्यून रिएक्शन होते हैं जो इसको देख के इसके खिलाफ इन्फेक्शन करते हैं और इसको मार देते हैं, इसके खिलाफ रिएक्शन करते हैं। अब जबकि इन क्यूटेनियस रिएक्शन में आपका क्या काम आते हैं, TH1 और CD8 सेल मीडिएटेड सेल्स, ये तो बन ही नहीं रहे, इनका है ही डिसफंक्शन, तो जब हम ये कैंडिडेट अंदर जाएगा तो क्या ये वाले रिएक्शन होंगे, ये वाले रिएक्शन ही नहीं होंगे, तो वो रिएक्शन नहीं होंगे तो पेशेंट को क्या हो जाएगा, क्यूटेनियस के इन्फेक्शन हो जाएंगे, वहां पे रिएक्शन नहीं होगा उसके खिलाफ तो उसको क्या हो जाएंगे, इन्फेक्शन हो जाएंगे। तो आई होप सो दैट आपको समझ आ गया होगा क्रोनिक म्यूकोक्यूटेनियस कैंडिडियासिस। कोई क्वेश्चन हो आपका, मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफी है, फिर बाकी बी एंड डी सेल्स। अच्छा, इसमें जो ये वाली थी, जो ये वाली हमने चार पढ़ी है, थायमा केप्लेशिया, इंटरल्यूकिन 12 रिसेप्टर डेफिशिएंसी, ऑटो या जॉब सिंड्रोम, क्रोनिक म्यूकोक्यूटेनियस कैंडिडियासिस, ये आपकी चार है टी सेल डिसऑर्डर्स, ठीक है, कॉमन वेरिएबल इम्यूनोडेफिशिएंसी, सिलेक्टिव IgA इम्यूनोडेफिशिएंसी और एक्सीलेंट ब्रूटल ए हेमोग्लोबिन, में ये आपकी है बी सेल डिसऑर्डर्स, ठीक है। और कल हम पढ़ेंगे फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में कि दोनों के मिक्स जाना क्या डिजीज होती है, बी एंड टी सेल्स दोनों के डिसऑर्डर्स कौन कौन से होते हैं, और फेगोसाइटिक जो इन्फेक्शन होते हैं डिसफंक्शन वो कौन कौन से होते हैं, इंशाल्लाह ताला इसको हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन आपका रह गया हो या कोई चीज़ हो पूछनी हो तो, कोई चीज़ समझ आए, कोई चीज़ रिपीट करने की जरूरत हो, डॉक्टर भैया, डॉक्टर जुबैर, एनीवन एल्स, समझ आ गया, जोर से बोले, क्या आ गया समझ, आवाज नहीं आई, चले ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।